गोरखपुर महोत्सव में चल रहे पुस्तक मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि हर साल गोरखपुर महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पुस्तक मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसका मंगलवार को समापन किया गया, जिसमें उत्तराखंड, जयपुर, राजस्थान, बाकी जगहों से तमाम व्यवसायी आए, जिनके उत्कृष्ट कार्य करने पर मेरे द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला तमाम तरह के स्टॉल लगे हुए थे, उन स्टॉलों पर गोरखपुरवासी जाकर पुस्तक खरीद रहे थे। यह गोरखपुर महोत्सव लोगों में एक संदेश देने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव में पूरे गोरखपुरवासी अपने परिवार के साथ जाकर महोत्सव का आनंद लिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा जितने भी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है उनको योगी जी ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है और शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सड़कें चौड़ी हो गई हैं। गोरखपुर की पहचान माफियाओं से होती थी, आज योगी सरकार ने माफियाओं को दबाकर गोरखपुर में एक अच्छी व्यवस्था की है और यही नहीं पूरे प्रदेश में योगी जी के डर से पूरे माफिया कांपते हैं। इस अवसर पर सीआरओ सुनील गौड़ एवं पर्यटन अधिकारी सहित पुस्तक व्यवसायी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, इस कार्यक्रम में सभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हो रहा है, उनके द्वारा आज वर्ष 2017 से अनवरत माननीय पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार पर्यटन और संस्कृति सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए ये गोरखपुर महोत्सव का आयोजन कराया जाता आ रहा है सर। और प्रत्येक वर्ष ये आप सबके आशीर्वाद से मार्गदर्शन से सर ये बहुत ही भव्यता से होता आया है सर। विगत वर्ष आचार संहिता की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाए थे सर, में इस वर्ष आप सब लोगों के निर्देश थे सर में इसको भव्यता से किए जाने हैं सर, और आप सबके मार्गदर्शन में आशीर्वाद से सर में इसको भव्यता से किए जाने का प्रयास किया गया है सर जो है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है सर, कहीं ना कोई कमी रहती है सर में, क्योंकि इस बीच में निर्वाचन के भी कार्यक्रम थे सर जो है, अन्य भी शासकीय कार्य थे सर, और इन सबको देखते हुए सर प्रयास ये किया गया कि इसको भव्यता से करें सर। और ख़ासतौर से सर मैं माननीय विधायक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि रात को मैंने अचानक से जिलाधिकारी महोदय की अपेक्षानुसार अनुरोध किया और अपने व्यस्ततम समय से माननीय विधायक जी को कहीं जाना था और मैंने आपसे अनुरोध किया, आपने अपने व्यस्ततम समय से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं सर और आजीवन हम लोग महोत्सव समिति आभारी रहेगी। हमें विश्वास दिलाता हूँ सर कि आगामी वर्षों में भी सर इस गोरखपुर महोत्सव का आयोजन बहुत ही भव्यता से हम करेंगे सर, और आपके मार्गदर्शन भी लूंगा सर, अगर विगत वर्षों में इस वर्ष भी सर जो कार्यक्रम में कहीं कोई त्रुटि हुई तो आपसे मार्गदर्शन लूंगा सर। माननीय विधायक जी और मुख्य आयुक्त सर नहीं आए, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली जसवंत राव जी, जसवंत मिला दिल्ली की लखनऊ माननीय अतिथि विधायक बैटरी डेंडर बुक सेंटर कांड ये जो भव्य आयोजन हुआ है इसमें सभी प्रकाशक साथी हमारे और आने वाले समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद सर। अब मैं ये मेला चला है उसमें कृषि विभाग का भी स्टॉल लगा हुआ था, देखिए गोरखपुर महोत्सव में हमारे यशस्वी पुत्र मुख्यमंत्री पूज महाराज जी के आदेशानुसार हर साल गोरखपुर महोत्सव मनाया जाता है। अब की साल चूँकि ठंड भी ज़्यादा थी लेकिन गोरखपुर महोत्सव में जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ उस दिन से इंद्रदेव भी खुश हुए और धूप लगातार गोरखपुर में होती रही। आज पुस्तक मेले का समापन हो रहा है, यहाँ दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड, जयपुर, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश
से तमाम हमारे पुस्तक व्यवसायी यहाँ आए थे, उनके तमाम स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ गोरखपुर वासी उन स्टॉलों पर जा कर के जो समझ में पुस्तकें भी खरीदे, और निश्चित है एक संदेश देने के लिए यह महोत्सव होता है। और गोरखपुर वासियों के लिए 3-4 दिन इतना अच्छा रहा कि सब लोग यहाँ इंजॉय भी किए, तमाम हमारे सिंगर उंगर आए मुंबई से तो उसका भी आनंद लिए, और यहाँ पर इसी बीच में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाने का बहुत से लोगों को अवसर मिला मकर संक्रांति के अवसर पर। और निश्चित है ऐसे कार्यक्रम हमारे हर साल होते आए हैं और होते रहेंगे, और गोरखपुर जिस इतना तेज़ी से विकास कर रहा है, यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है कि जिस गोरखपुर में सिर्फ गंदगी का अंबार रहता था, यहाँ पर तमाम जलकुंभी इस रामगढ़ ताल में हुआ करती थी, आज यह हमारा रामगढ़ ताल जो है मुंबई के जुहू चौपाटी को भी टक्कर दे रहा है सफाई के मामले में और स्वच्छता के मामले में, और लाखों लाख लोग नए साल पर यहाँ पर इंजॉय करने परिवार सहित आए। यहीं पर आपका चिड़ियाघर भी बन गया है करीब 125 करोड़ रुपए से, वहाँ भी हमारे शहर के लोग परिवार सहित गए और इंजॉय किए। इस तरह से गोरखपुर में चौमुखी विकास हो रहा है, हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं जितना योगी जी के सरकार में 5 सालों में 6ठा साल चल रहा है जितना काम गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर के शहर के अंदर की देखें पर्यटन के दृष्टिकोण से कि हमारे जितने भी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल थे उसको योगी जी ने बहुत ही सुंदर बनवा दिया है। शहर के अंदर करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें हमारी चौड़ी हो गई हैं, और योगी जी का मेन उद्देश्य है कि हमारा गोरखपुर सेंटर पड़ता है, चाहे यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करना हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी अयोध्या जी में जा करके प्रभु श्री राम का बजरंगबली का दर्शन करना हो, और चाहे भगवान बुद्ध की पूर्णिमा अष्टमी कुशीनगर जा करके उनसे आशीर्वाद लेना हो, हमारा नेपाल भी बहुत मित्र राष्ट्र है वह भी यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। तो कुल मिला के योगी जी का उद्देश्य है कि गोरखपुर को इतना डेवलप कर दिया जाए कि यहाँ से राजस्व लोग पर्यटक आएंगे तभी राजस्व मिलना है। हमारे प्रदेश में इसका अभाव था लेकिन योगी जी 5 सालों में बहुत कुछ कर दिए हैं, और निश्चित है गोरखपुर की अलग पहचान बनती जा रही है। जहां पहले गोरखपुर की पहचान माफियाओं के रूप में होती थी, आज योगी जी ने माफियाओं को भी दबा करके गोरखपुर में ऐसी व्यवस्था दी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में माफिया भी थर थर कांप रहे योगी जी के राज में, और हमारी जनता हमारे हर वर्ग के लोग आराम से चैन से अपने घरों में सो रहे हैं। और निश्चित हम जितने भी व्यवसायी आए हैं हमारे साथी उनको पुनः आग्रह करेंगे आप पुनः गोरखपुर अगले साल आइए, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम गोरखपुर वासियों की तरफ से आप लोगों से क्षमा मांगे, यही आपसे कहना था।